समस्याएं हो या अवसर, अगर कोई व्यक्ति इनका हल ढूंढता है या जिस व्यक्ति के पास इनका हल ढूंढने की ताकत होती है उसे लीडर कहते हैं। मैं यहीं से बात शुरू करूंगा, लीडर कौन होता है, लीडर किसे कहते हैं। लीडर को हिंदी में कहते हैं नायक, नायक या अधिनायक या मार्गदर्शक, उसको हम लीडर कहते हैं। लीडर कहते हैं हम उस व्यक्ति को जिसकी मूर्तियां लोग घर में लगा लेते हैं, जिनकी फोटो अपने घर में लगा लेते हैं। लीडर कहते हैं हम उन लोगों को जिनके जाने के बाद उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन पे फूल चढ़ाए जाते हैं। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनको लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनके पास जाकर लोगों को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं। ऐसा लीडर किन गुणों की वजह से होता है, ये आज का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या ये लीडर पैदा होते हैं? उत्तर है नहीं। लीडर धर्म से, जात से, खून से, ऊंच से, नीच से नहीं होता है। लीडर अपने गुणों से होता है। हर धर्म में, हर जाति में, गरीब के घर, अमीर के घर, सब जगह लीडर पैदा होते हैं और उन्होंने अपनी पहचान अपने गुणों से बनाई। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप भी किसी ना किसी स्तर पर लीडर हैं। हम सब में बहुत सारी, मैंने स्तर शब्द यूज किया, इसमें जरा स्तर गौर करने वाला है, इसमें मैं खुद को भी मानता हूं। लेकिन अभी हम वो लीडर नहीं है जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी दी है, नायक अधिनायक, जिनकी फोटोएं लोग मंदिर में लगा लेते हैं, जिनके लिए उनके सर झुक जाते हैं, जिनकी एक आवाज पे जो लोग पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं, उतना गहरा विश्वास, उतनी गहरी श्रद्धा, वैसा लीडर कैसा होता है, आज उसकी बात करने वाले हैं। और उसके बाद आपने ईमानदारी से उन गुणों को समझने के बाद ये सोचना है कि मेरे में इसमें कौन सा गुण उपस्थित नहीं है। लीडर वो होता है जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग उसके अराउंड होते हैं और वो उस लीडर की जिम्मेदारी होते हैं। भगवान ने आपको ऐसी जगह बिठाया है कि आपके अराउंड लोग हैं, लेकिन इस पे मुझे शक है कि वो गुण क्या हमारे पास हैं कि हम उनके लीडर कहलाएं। और मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम में से उसमें कुछ गुण नहीं है, नहीं है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग किसी गलती पे होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। हम में कोई दोष होता है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये मानने को इनकार कर देते हैं कि हम में वो दोष है। समस्या ये नहीं है कि बीमारी है, समस्या ये है कि हम मानने को मना कर देते हैं वो बीमारी है। और जब हम ये बोलते हैं तो फिर उसका इलाज ही नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से बोलेंगे अपने आप से, क्योंकि ये बात आपके अपने आप से, आपको तय करना है कि आपको ऐसा लीडर बनना है कि लोग आपको युगांधर कहें। आपको यह तय करना है कि आप जब इस दुनिया से जाएं, जो हम सबको जाना है एक दिन, तो लोग आपके बारे में क्या राय रखें, लोग आपकी मूर्तियां बनवाएं, उस पर फूल चढ़ाएं, आपकी जनरेशन को आपके उदाहरण दें या नहीं दें, ये आपको सोचना है। और वो इस बात से तय होगा कि आज के सेशन के बाद कितनी ईमानदारी से आप लिखेंगे अपने पेन से, अपनी कॉपी पे, कि मेरे में इनमें से कौन कौन से गुण नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटा सा बीज डालना, अपने उस खुदा से, उस भगवान से, ईश्वर से, जीजस से, वाहेगुरु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझ में ये दोष है, मुझे मदद करना कि मैंने दूर कर सकूं, मुझे मदद करना कि मैं इन दोषों से लड़के वो लीडर बन सकूं जिससे वाकई में लोग मुझे दीपक कहें, लैंप कहें, ऐसा दीपक जो अंधकार मिटाता है,
ऐसा दीपक जिससे और दीपक जल के अंधकार मिटाए, तो ये आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं। क्योंकि लीडर इच्छा शक्ति की संतान है। लीडर बनना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लोग पैदाशी लीडर नहीं होते, इच्छाओं से लीडर होते हैं। आप क्या चुनाव करते हैं उससे तय होगा कि आप कैसे लीडर होंगे। मुझे आप एक संदेशवाहक जानिए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि संदेशवाहक, क्योंकि जो गुण बता रहा हूं उसमें से कुछ मेरे में भी नहीं है, मुझे भी उस पर काम करना है। पर अगर मुझ में वो गुण नहीं है मैं आपको ना बताऊं, ये गलत होगा। क्योंकि जितना मुझे सत्य का ज्ञान है मुझे आपको देना चाहिए। मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़िए, आइए मिलके लड़ते हैं और एक अच्छा लीडर बनते हैं। हम सबको अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वार्थ के सपने भी और परमार्थ के सपने 60 वर्ष मिलते हैं। हम सबको 60 वर्ष मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन 60 वर्ष में बस एक सादा जीवन जी के जाते हैं। वो पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर पूरे जीवन के दुखों को साथ लेके चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं ना उनके आने से किसी को फर्क पड़ा था, ना किसी को जाने से फर्क पड़ा था। कुछ लोग होंगे जो 60 साल के जीवन में शायद घर भी नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो 60 साल के जीवन में शायद गाड़ी भी नहीं ले पाएंगे, बाइक भी नहीं ले पाएंगे, ना स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे ना परमार्थ सिद्ध करवाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन 60 सालों में पूरा युग बदल के चले जाते हैं और युगांतर कहलाते हैं। वही 60 साल आपको तय करना है। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आज का सेशन आपको यह बताएगा कि एक लीडर के पास क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और इनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा आप धारण करें आज, अपनी इच्छा शक्ति अगर उसमें डालें तो वो गुण आप में आ नहीं सकता। जरूर आएगा, 100% आएगा। अगर आप पूरी शिद्दत से इच्छा करेंगे, ये पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। क्योंकि आपका संकल्प शुभ है और शुभ संकल्प में सारी अच्छी पॉजिटिव ताकतें आपकी मदद करती हैं। शुरुआत होगी DLM। हिंदी में बोलूं तो दीपक बने। जब मैं बात दीपक की बात कर रहा हूं तो सिंपल मतलब है लीडर बने। जैसे दीपक लोगों का जीवन रोशन करता है ऐसे ही लीडर होता है। और उसके बाद क्या है, ब्रजेश ने बोला था, क्रिएट अ चेन ऑफ लैंप। ऐसे दीपक बनाए, दीपमाला या दीपकों की एक श्रृंखला बनाए। दीपकों की एक श्रृंखला बनाए। आप कैसे दीपक की श्रृंखला बनाएंगे यह निर्भर करता है कि आप खुद कैसे दीपक हैं। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जितने पावरफुल दीपक बनेंगे, आगे दीपक से जब दीपक जलाकर दीपक बनाएंगे तो वो उतने अच्छे दीपक बनेंगे। इसका दूसरा नारा ये भी है, लर्न टू टीच, सिखाने के लिए सीखें, रोशन करने के लिए रोशन हो जाए। तो Part 1 DLM। और इसके लिए पहला गुण जो चाहिए वो है, एक अच्छा लीडर वो होता है, पहला गुण, रेडी टू लर्न, जो सीखने को तैयार।
जब तक आप सीखने को तैयार नहीं है तो आप सीखेंगे कैसे? आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार, मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार। और वो ये कह के ऐसे कहते हैं मानो वही ब्रह्म ज्ञानी, उन्हीं को सब कुछ सही और गलत का पता है। पर मैं आप उनको कहना चाहता हूं कि इवन एक मर्डरर होगा ना, जो खूनी है जिसने कुछ मासूम लोगों की हत्या कर दी है, उससे पूछोगे वो भी यही बोलेगा, मैं वो करता हूं जो मेरा दिल करता है, और उसके पास पूरी कहानी होगी अपने इस जघन्य अपराध को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है रेडी टू लर्न। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? लिखे हुए कागज पे लिखना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। जब आप ग्लेज में आते हैं, आप डिफरेंट तरह के फील्ड से आते हैं, किसी ने बड़ी अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है, किसी ने बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी है, किसी ने कुछ किया हुआ है, आपके पास जीवन के अपने अनुभव हैं और धारण किए हुए सच है, उसमें पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। कोरे कागज पर लिखना बहुत आसान है, एक छोटा बच्चा एक सरल आदमी को लीडर बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी पे जो लिखा हुआ उसे मिटा के दोबारा लिखना सबको सबसे डिफिकल्ट काम है। एक भरी हुई पानी की बोतल में और पानी भरना सबसे मुश्किल काम है। लोगों के ऊपर ढक्कन बंद होते हैं, उस ढक्कन को खोल के पुराना पानी थोड़ा गिरा के नया पानी बदलने की इच्छा शक्ति कम लोगों में होती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि आप खुले मन से सीखने के लिए तैयार, खुले मन से डिस्कशन करने के लिए तैयार, प्रश्न पूछें और उनका उत्तर इसलिए नहीं सुने कि आपने बहस करनी है अपने ज्ञान के साथ, उसको सुने और उसमें जो काम का लगे उसे रखें। कई लोग क्या करते हैं, अक्सर जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो उनकी ईगो पे आ जाती है और उस ज्ञान चर्चा को बहस चर्चा में कन्वर्ट कर देते हैं। दो दोस्त थे, एक महफिल में बैठे थे, वहां पे एक दोस्त ने पानीपत की लड़ाई के बारे में एक बात शुरू करी। अभी बात शुरू ही की थी तो उसने बोला पानीपत की लड़ाई सन 1836 में, पानीपत की लड़ाई कितनी कब हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1850 में मान लो, सर 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। 1526 को पहला पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई होती 1526। आपको मालूम है ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूं जो हो रहा है, उस महफिल में भी यही हुआ था। उस लड़के ने जब पानीपत की लड़ाई की बात शुरू करी तो उसने सन गलत बता दिया, उसने 1526 की जगह शायद 1570 बोल दिया। अब वो बात जो वो करना चाहता था वो बात तो साइड हो गई और वहां बहस हो गई कि पानीपत की लड़ाई हुई कब थी। अब जब बहस हुई कि पानीपत की लड़ाई कब शुरू हुई तो वो कहता नहीं 1570 में हुई, एक बोला रे तुझे क्या पता 1570 में 1526 में हुई, मेरा तो इतिहास सब्जेक्ट। अब उसकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई, वो भी बहस करता रहा तेरा अगर सब्जेक्ट था तो मैंने भी, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं तो लगा ले शर्त और ये और वो, और बहस होती रही। अब उस बहस का नतीजा क्या निकला? उस बहस का नतीजा निकला कि कोई एक व्यक्ति का दिल टूट गया, एक व्यक्ति वहां हार गया। पानीपत की लड़ाई तो जब हुई थी तब हुई थी, कौन हारा था कौन जीता था, पर उस बहस में दो दोस्त की दोस्ती हार गई। तो ओपन माइंड से सुनने का मतलब ये होता है कि आप कुछ जो पसंद आया उसे रख लीजिए, बहस में कन्वर्ट मत करिए। ओपन माइंड से दूसरे के विचार को सुनिए। कई बार कोई संदेश वाहक आपके लिए क्या संदेश लाया आपको नहीं मालूम। तो पहला गुण एक लीडर का ये होता है,
कि वो दूसरे को सुनता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब वो सीखने के लिए तैयार रहता है तो वो भेद नहीं करता, वो इस तरीके से जीता है कि हो सकता है बच्चा मालूम नहीं कौन सी बात कह जाए। वो अपनी ईगो को साइड में रखता है, वो अपने उपाधियों को साइड में रखता है, अपने अनुभवों को साइड में रखता है। जब वो सुन रहा होता है तो सिर्फ एक ही काम करता है, वो सुनता है। इस पहली लाइन का यही मतलब है कि सीखने को हमेशा तैयार, वो लोगों को जज नहीं करता। अगर एक किसान किसी गांव से आया है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसको कुछ मालूम नहीं है, तो आप गलती पे हैं। हम सब लोगों ने पढ़ाई की है, फर्क इतना है आपने स्कूल की पढ़ाई की है और उसके पास जो पढ़ाई और है वो अनुभव की पढ़ाई है और आपसे ज्यादा पावरफुल है। खाली स्कूलों में सर्टिफिकेट लेने से पढ़ाई नहीं होती है, अनुभव से बड़ी पढ़ाई कोई नहीं होती है। वो खेतों में जो ज्ञान आपको दे देगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा लीडर हमेशा कद्र करता है सामने बैठे व्यक्ति की और उसको खुले मन से सुनता है। उसके बाद सुनने के बाद फैसला करता है कि मुझे इसमें से क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, उसको कसौटी पे तोलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको दूसरे की बात माननी है, पर पहले सुनना जरूरी है, उसके बाद उसे जांचना जरूरी है, विचार करना जरूरी है, निष्पक्ष विचार करने के बाद तर्क संगत से समझना जरूरी है कि इसमें मेरे लिए क्या काम का है। ये लीडर का पहला गुण है। लीडर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भी कहीं पे गलत हो सकता हूं, आई कैन बी रॉन्ग, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हम इस धरती पे आखिरी सांस लेंगे तब तक सीखने की गुंजाइश है यारो, और उसके बाद अगला जन्म ले लें और पिछला जन्म याद रह जाए उसके बाद सीखने की भी गुंजाइश। तो सीखना तो एक फॉरएवर की प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली। दूसरे गुण पे आ जाए, दूसरा गुण है इंटीग्रिटी। इसको हिंदी में आप कह सकते हो सच्चापन या पूर्णतः सत्य, पूर्णतः ईमानदार। एक सच्चा लीडर वो होता है जिसमें इंटीग्रिटी का गुण होता है। ये इंटीग्रिटी क्या होती है, अगर एक लाइन में डिफाइन करो तो इंटीग्रिटी ये होती है, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स राइट When nobody is watching you, आप तब भी सही चीजें करते हैं जब आपको कोई ना देख रहा हो, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। यानी आप अपनी सच्चाई पे कायम, आप अपनी ईमानदारी पे कायम, आप कोई लालच में, ग्रीड में, डर में, धोखे में गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक गुरु था, उसके चार शिष्य थे। उसने परीक्षा लेने के लिए कि मेरे बाद मेरी गद्दी का हकदार कौन है, उन चारों शिष्यों को एक कबूतर दे दिया, माया कबूतर, और उनको बोला कि तुम इन चारों जाके इस कबूतर को वहां मारो जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। वो चारों शिष्य चले गए, शाम को लौट आए, तीन शिष्यों के पास मरा हुआ कबूतर था और एक के पास जीवित कबूतर था। तो तीनों शिष्य उसको बोलने लगे, तूने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, तुझे पाप लगेगा। अब गुरु महाराज आए, उन्होंने पूछा, हाँ भाई बताइए आपने अपने अपने कबूतर कहां मारे। एक ने बोला कि मैं एक सुनसान जंगल में गया, वहां एक सूखा हुआ कुआं था, उसके अंदर चला गया, कोई भी नहीं था, मैंने वहां मार दिया। एक ने बोला मैं पहाड़ों की एक गुफा में गया, वहां पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था और मैंने वहां कबूतर मार दिया।
तीसरे ने बोला कि मैं जंगल जा रहा था, वहां एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था, मैंने वहां कबूतर मार दिया। तो चौथे को गुरु महाराज ने कहा कि भाई तू अपना कबूतर जिंदा क्यों ले आया? तो उसने बोला, गुरुदेव मुझे पूरी धरती पे कोई ऐसा स्थान समझ नहीं आया जहां मुझे कोई ना देख रहा हो, क्योंकि तो जहां भी जा रहा हूं वहां ईश्वर तो देख ही रहा है। इसलिए मैं कबूतर आपके पास वापस ले आया। ये इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब आप कहीं भी हो, आपको कोई देख ना रहा हो या कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा देख रही होती है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार चलता है, जो सत्य पे चलता है, जो ईमानदारी पे चलता है, वो व्यक्ति का गुण है इंटीग्रिटी। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमें शक्ति देना कि हम हमेशा जीवन में इंटीग्रिटी के साथ काम करें। और जब मैं बात करता हूं इंटीग्रिटी की तो इसमें सब कुछ आ जाता है। जो भी इस जीवन में सही है, चाहे वो ईमानदारी है, चाहे माता पिता की सेवा है, बच्चों की परवरिश है, जो जो आपके धर्म है, जो जो आपकी ड्यूटीज है, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं काम करते हैं, जिस जिस के प्रति आपका जो जवाबदेही है, उस जगह पर इंटीग्रिटी रखना इंटीग्रिटी है। अगर एक ऑफिस में एक इंप्लॉई काम करता है, जैसे ही उसका बॉस ऑफिस से बाहर जाता है और फट से वो अपना फोन लगा के बातें शुरू कर देता है कि अब तो मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूं, उसकी इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज है, यानी वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है। क्योंकि उसके पास उधार का चरित्र है। जब तक ऑफिस का बॉस होगा तभी तक मैं चरित्रवान हूं, जैसे वो गया मैं कंप्रोमाइज्ड। जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहा है उसको कोई क्या लीडर मानेगा? सबसे पहले आपको अपनी इज्जत खुद करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी शख्सियत की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप उसके ऊपर ईमानदारी का टैग नहीं लगाएंगे, अगर आप उसके ऊपर इंटीग्रिटी का टैग नहीं लगाएंगे तो दुनिया तो बहुत बाद में आती है। तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। तीसरा गुण आता है शिष्टाचार। एक अच्छा लीडर शिष्टाचार से भरा होता है। अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करेगा, अपने पत्नी का सम्मान करेगा, अपने भाइयों का सम्मान करेगा, घर में कोई अतिथि आएगा उसका सम्मान करेगा, गाली गलौज नहीं देगा, किसी के साथ फिजिकल अब्यूज नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, वृद्धों का सम्मान करेगा, औरतों की रिस्पेक्ट करेगा, हर एक से हंस के खेल के विनम्रता से बात करेगा, इसे शिष्टाचार कहते हैं। अगला गुण है चरित्र, ऊंचा चरित्र। एक अच्छे लीडर का चरित्र हमेशा ऊंचा होता है। एक अच्छा लीडर या तो शराब का सेवन करता ही नहीं है, और करता है तो बहुत ही नियंत्रित मात्रा में, ताकि उसके व्यवहार से दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। सही में तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए। एक अच्छा लीडर चाइल्ड अब्यूज नहीं करता है, फिजिकल अब्यूज नहीं करता है, वुमेन की रिस्पेक्ट करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, झूठ नहीं बोलता है, मैन ऑफ वर्ड होता है। मैन ऑफ वर्ड बोलते हैं जो अपनी जबान का पक्का होता है, जिसकी जबान पे लोग भरोसा करते हैं, जो कहता है वो करता है, और जो करता है वो वही करता है जो उसने कहा था। वो आपने सलमान भाई का एक वो डायलॉग सुना ना, क्या है कौन बोलेगा? अगर मैंने एक बार तो मैं कभी अपने आप की भी नहीं सुनता। ऊंचे चरित्र वाले लोगों की बुरी आंखें नहीं होती।
अगर वो किसी परिवार में जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है क्योंकि उनकी आंखें अच्छी होती हैं, उनका कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मैं शाम को तेरे पैसे लौटाता हूं और शाम को गायब हो जाते हैं, ऐसे लोग लीडर नहीं होते, वो मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगली जो क्वालिटी है एक लीडर में वो है ह्यूमैनिटी। इसके बारे में हमने आज बहुत बात की है, इंसानियत। इसमें तो जितना कम बोलो उतना अच्छा। ह्यूमैनिटी मतलब हमदर्दी, एम्पैथी, दूसरों की जगह पे जाके सोचना, दूसरों की मदद करना। आपके पास ईश्वर ने जो भी दिया है, आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दिया है, अगर आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो धन देकर आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा शरीर दिया है तो आपको श्रम दान करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान दिया है तो आपको लोगों को सिखाना चाहिए, शिक्षा का दान देना चाहिए। अगर और कुछ नहीं दिया है तो आप दुआएं देंगे लोगों को सच्चे मन से, वो भी कबूल होती है, वो भी कोई छोटा दान नहीं है। तो ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दूसरों की मदद करना, दूसरों की जगह जाकर सोच पाना। और ह्यूमैनिटी करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी घर से शुरू होती है। आपके घर में माँ बाप वृद्ध हैं और आप बाहर जाके माता का जागरण करा रहे हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जागरण फलित नहीं होगा। पहले अपने माँ बाप को ध्यान दीजिए, उनका ख्याल कीजिए, उनके लिए अपनी ह्यूमैनिटी जगाइए। आपका भाई, सगा भाई तकलीफ में है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आप गुरुद्वारे में लंगर करवा रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। पहले आपके आस पास जो आपके घर के लोग हैं, अगर आप उनके लिए अपनी ह्यूमैनिटी दिखाएंगे तो वो भी उतनी ही पावरफुल ह्यूमैनिटी है। अगला जो गुण होता है लीडर में वो है दे स्प्रेड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हिंदी में खुशियां बोलते हैं। लीडर जहां जाता है वहां खुशियां बांट के आता है। और फिर से मैं बात करता हूं, खुशियां घर से शुरू होती है। अच्छा लीडर एक शानदार बैलेंस कायम करता है अपने काम और अपने परिवार के बीच में। अच्छा लीडर काम भी करता है और अपने परिवार के साथ वक्त भी बिताता है। सैटरडे संडे हो या कोई एक दिन चुनता है कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताऊंगा, थोड़ी देर मैं रोज अपने बच्चों को भी दूंगा, साल में एक बार बाहर घूमने भी जाऊंगा या दो बार घूमने जाऊंगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। आज मैंने काफी वैज्ञानिक बातें की हैं, तो आज आपको एक और वैज्ञानिक बात बताता हूं कि कोई व्यक्ति खुशी कम महसूस करता है। चार हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर जो हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। इन हार्मोन्स के जो नाम है, एक का नाम है एंडोरफाइन, एक का नाम है डोपामाइन, एक का नाम है सीरोटोनिन और एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये जब चार में से कोई भी हार्मोन हमारे शरीर में हमारा दिमाग रिलीज करता है तो हम उस समय एक इनर पीस और खुशी महसूस करते हैं। सवाल यह है कि ये हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं। एंडोरफाइन जो हार्मोन है ये तब रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करें या एक्सरसाइज करें तो एंडोरफाइन रिलीज होता है। या दूसरा, जब आप बहुत तेज हंसते हैं, इसलिए आपको दोस्तों के साथ
करना चाहिए, कॉमेडी शो देखने चाहिए। अगर आप हंसते हैं, और हंसने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती हंस रहे हैं, जब आप खुल के अंदर से हंसते हैं, जब कोई जोक सुनाता है तो हंसते हैं, जब परिवार में कोई हंसी मजाक करता है तो हंसते हैं, जब कभी आप दोस्तों के साथ होते हैं जब तब हंसते हैं, या आप कोई कॉमेडी शो कपिल शर्मा देखते हैं तो हंसते हैं। तो जब आप हंसते हैं तो ये वाला हार्मोन रिलीज होता है और आप खुश होते हैं। तो इसीलिए पहली लाइन आपको क्या बताती है, क्या बताती है आपको, कि हमें रोज सुबह अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, क्योंकि खाली हैप्पीनेस आपको नहीं चाहिए, आपके पूरे परिवार को चाहिए। अपनी पत्नी को लेकर 30 मिनट के लिए वॉक पे जाइए ना, शाम को फैमिली के साथ बैठ के हंसिए गाइए, थोड़ी देर टीवी देखिए, रात को सोने से पहले हंस लीजिए, तो दो बार हार्मोन तो ऐसे रिलीज हो गया, ठीक। दूसरा है डोपामाइन। डोपामाइन मिलता है जब आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है, ये तब रिलीज होता है जब आपने कोई काम अपने हाथ में लिया और वो पूरा हो जाए। जैसे आपकी बेटी कोई प्रोजेक्ट लेके आई स्कूल से और उससे वो बन नहीं रहा, आपने कहा मुझे दिखा, और आपने उसको बनाना शुरू किया और वो काम करने लग गया, आप देखना आपको एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन आएगी कि मैंने कुछ अचीव किया है, और वो सेटिस्फेक्शन 10 गुना बढ़ जाएगी अगर आपकी बेटी इसके ऊपर आपको तारीफ करे, वाह पापा आपने कमाल कर दिया, और उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो स्कूल से आए और खुशी खुशी आपको बताए आपकी वजह से मेरे लिए क्लास में क्लैपिंग बजी। तो यानी जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके काम के लिए, तो आपका डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और आपको खुशी महसूस होती है। तो इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है, अगर आप बीइंग ए लीडर खुशियां बांटना चाहते हैं तो लोगों को ध्यान से नोटिस करिए, जो लोग छोटे छोटे काम आपके आसपास करते हैं उनके लिए उन्हें अप्रिशिएट करिए, आप उन्हें बोलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम उल्टा करते हैं, एक व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, क्यों, हम इग्नोरेंस में जीते हैं, लेकिन जैसे ही ये गलती होती है उसको पकड़ के बोलना शुरू कर देते हैं, तो आप उसका एंटी डोपामाइन जागृत कर देते हैं, खुशी देने की बजाय वो बेचारे की पूरी रात काली हो जाती है, क्योंकि अंदर यही सोचता रहता है वो। आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरा अच्छा किया तो दिखता नहीं इनको, और ऐसा सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार होता है हमारे घर में तो वो आपकी पत्नी होती है या आपकी माता जी होती है। वो सुबह से लेकर रात तक इतने सारे छोटे छोटे काम अकम्प्लिश और खत्म करती है कि आपको रात तक उनको 20 बार तारीफ करने का मौका होता है अगर आप चाहें तो। सब्जी अच्छी मिली बनी है तो बोल दीजिए यार क्या कमाल की सब्जी बनाई, रोटी अच्छी फूली है बोलो अरे क्या यार आज कमाल की रोटी फुला रही हो, कपड़े अच्छे से स्त्री हुए तो बोलो यार कमाल की केयर करती हो, आपके कपड़े वो आपके हिसाब से संभाल के रखती है, तो सोचो कर तू उनको वो एक बार बोलो तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इसके बाद नेक्स्ट है सेरोटोनिन। ये तब रिलीज होता है व्हेन वी हेल्प अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, आपको लाइफ में भगवान ने छोटी छोटी मदद करने का मौका हमेशा दिया होगा, और अगर आप ग्लेज में, मुझे लगता है आपने की भी होगी। सोच के देखिए कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी अंधे को सड़क पार कराई, या आपने किसी बूढ़े का थैला उठा के उसको घर तक छोड़ दिया हो। छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूं, बड़ी बात की नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी ऐसी घटना याद है जो आपने की है, तो थोड़ी देर के लिए उस घटना पे चले जाइए कि जब आप किसी को पार कराते हैं या किसी की मदद करते हैं तो अंदर आपको एक सुकून सा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। जो लोग मेरी तरह मेरे से एग्री करते हैं वो एक बार जोर से बोलिए यस सर। ये आवाज आपकी हैप्पीनेस की आवाज है, उस खुशी की आवाज है जो दूसरे को मदद करके आपको मिलती है। क्योंकि जब आप दूसरे की मदद करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी परमार्थ का काम करते हैं, तो उससे आपको क्या मिलती है?
खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो बीइंग ए लीडर, अगर आप खुशियां बांटना चाहते हैं तो आप लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि कहां कहां जाके तू अच्छा काम कर सकता है। जो लोग कमाते हैं उनको बोलिए कि हमारे शहर में दुनिया भर के अनाथालय हैं, हमारे शहर में दुनिया भर के विकलांग सेंटर हैं, एक बार उन सेंटर में हो के आ, वहां एक दिन अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चे के जन्मदिन पे खाना ही बांट के आ जा, एटलीस्ट वो दिन तो उसका खुशियों वाला जाएगा। तो आप बीइंग ए लीडर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं इस खुशी के लिए। अगला है ऑक्सीटोसिन। ये तब रिलीज होता है व्हेन यू बिकम क्लोजर टू अदर ह्यूमंस। वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं। आपको ऐसे लोग अक्सर उदास, नेगेटिव मिलेंगे जिनके आसपास दोस्त नहीं होते, क्योंकि उनका ये वाला हार्मोन रिलीज नहीं होता जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप अपने बच्चे को गले लगाते हैं, जब आप किसी से नई दोस्ती करते हैं, नया रिश्ता बनाते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है। जिस दिन आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ के आएंगे आपका आधा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? और आप सब भाग्यशाली हैं क्योंकि ग्लेस के हर व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दोस्त है।